हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मिसेस वरुण किचन। आज मैं आपके लिए मटर मशरूम की रेसिपी लेके आई हूँ। मटर मशरूम वैसे ही बहुत अच्छा लगता है और सीज़न में मटर और मशरूम दोनों ही आ रहे हैं और बहुत अच्छे आ रहे हैं। मशरूम भी सर्दियों में बहुत अच्छे आते हैं और मटर भी बहुत अच्छे आते हैं, तो दोनों ही को ही मिक्स करके आज हम सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो देखिए, हमने एक पैकेट मशरूम लिया है, तो उसको हमने थोड़ा सा आटा डाल के अच्छे से मसल लिया है। और इससे क्या है कि जो मशरूम के ऊपर डस्ट होगी ना, वो सारी हट जाएगी, एकदम अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। और देखिए, हम थोड़ा सा पानी डालेंगे इसको और अच्छे से इसको मसल लेंगे, जिससे कि इसकी सारी डस्ट निकल जाए। तो देखिए, मशरूम पे से सारा क्लीन कर लिया है, देखिए सारी डस्ट हट गई है ना, तो देखिए मशरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। थोड़ा सा आटा डाल के साफ करते हैं ना, तो बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो चुका है ना मशरूम। तो देखिए, इसी तरीके से हमें सभी मशरूमों को अच्छे से साफ कर लेना है। और देखिए, 2 से 3 पानी में मैंने मशरूम को बहुत अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा हम इसको नीचे से कट करेंगे और इसके 2 भाग में डिवाइड कर देंगे। बस इसको 2 भाग में डिवाइड करेंगे मशरूम, क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, और बनने के बाद तो वैसे ही और छोटा हो जाता है। तो इसी तरीके से मैंने देखिए सभी मशरूमों को कट कर लिया। मशरूम देखिए बिल्कुल फ्रेश है, अंदर से वाइट है ना, बिल्कुल फ्रेश मशरूम है ये। तो इस तरीके से आप मशरूम को पहले आप कट कर लीजिए। तो सारे मशरूम कट के तैयार हो चुके हैं और अब हम इसको भी साइड कर लेते हैं। और अब हमने देखिए 1 कप भर के हमने मटर लिया है। मटर को हमने बॉईल नहीं किया है, इसको ऐसे ही कुक करेंगे। तो देखिए, अब हम मिक्सी का जार लेंगे और जार के अंदर हम सबसे पहले हम लहसुन डालेंगे। 8 से 10 कलियाँ लिया लहसुन डाली है और 1 इंच हमने अदरक ऐड कर दिया है। और साथ ही अब हम इसके अंदर 2 प्याज ऐड करेंगे। तो ग्रेवी के आपको जितनी थिकनेस रखनी हो, आप उसी के हिसाब से प्याज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने इसमें 2 प्याज ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए, इसको हमने बिल्कुल बारीक पेस्ट नहीं बनाना, हल्का सा दरदरा रखा है इसको। तो देखिए, अब गैस पे हमने कढ़ाई रख दी है और अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे। 3 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल ऐड कर दिया है और अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे और खड़े मसाले ऐड करेंगे, तेजपत्ता, दालचीनी, इलायची, लौंग और काली मिर्च। तो बस ये खड़े मसाले आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, और जो आपके पास ना हो तो आप उसे छोड़ दीजिए। और देखिए, जैसे ही खड़े मसाले हल्के से भुन जाएंगे, तुरंत ही हम इसके अंदर लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए कितने अच्छे से भूनना है ना इसका, जब तक ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक हम इसको अच्छे से भून लेंगे। तब तक लहसुन प्याज अदरक जब तक भून रहा है, तब तक हम टमाटर कट कर लेते हैं। तो देखिए, 2 हमने टमाटर कट कर लिए हैं और साथ में 8 से 10 हमने इसमें काजू ऐड कर देंगे। और अब हम इसका बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है देखिए इस तरीके से, इससे क्या होगी ग्रेवी बहुत अच्छी थिक ग्रेवी बनेगी। तो इधर देखिए, लहसुन अदरक प्याज भी बहुत अच्छे से भून चुका है, देखिए ऑयल सेपरेट होने लगा है। और अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है तो आप इसकी जगह पर 1/2 टीस्पून किचन किंग मसाला भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखिए, मसालों को हल्का सा भूनेंगे। तो बस जैसे ही मसाले अच्छे से इस प्याज लहसुन के अंदर मिक्स हो जाएंगे, तुरंत ही हम इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड कर देंगे। तो अभी हमने जो टमाटर और काजू का पेस्ट बना के रखा था ना, वो हम ऐड कर देंगे। और इसको बहुत अच्छे से भूनना है, लो फ्लेम पे ही भूनना है, क्योंकि इसमें हमने काजू डाला है ना, तो काजू क्या होता है कि कढ़ाई में नीचे तली में चिपकने लगता है, इसलिए हम कंटिन्यू हाथ चलाते हुए अच्छे से इसको भूनेंगे इसके अंदर। और कंटिन्यू 5 से 10 मिनट तक हम इसको अच्छे से इसी तरीके से भूनेंगे और फिर उसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो देखिए, इसको थोड़ी देर के लिए हम ढक के रख देंगे, जिससे क्या है कि काजू और टमाटर बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा मसालों के साथ। तो देखिए, 10 मिनट के अंदर ये बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। देखिए, इसमें ऑयल सेपरेट हो गया है ना, तो ये ग्रेवी हमारी बहुत, मतलब मसाला बहुत अच्छे से कुक हो चुका है। और अब हम इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो देखिए, इसको तो हमने अच्छे से कुक कर लिया है, तो अब हम इसको साइड कर देते हैं। तो इसको दूसरी गैस पर शिफ्ट कर देते हैं और अब हम एक और पैन लेंगे और इसको हमने गरम कर लेंगे इसको। और इसके अंदर अब हम थोड़ा सा हम घी डालेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया है, और इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो अब हम इसके अंदर कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी का इसमें क्या फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए, जब भुन जाती है कसूरी मेथी, आपको पता ही है खुशबू कितनी अच्छी आती है, तो हल्की सी भुनने देंगे और तुरंत ही हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे। तो देखिए, 1 कप भर के हमने मटर ऐड कर दिया है। इसको मटर को हमने बॉयल नहीं किया है, अब हम कुक होने देंगे इसमें। देखिए, इसमें हम अच्छे से इसको भून लेंगे
और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक के रख देंगे जिससे कि मटर अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए इसको घी के साथ ही हमने अच्छे से इसमें भून लिया है जिससे कि अच्छे से कुक हो जाए और थोड़ी देर के लिए हमने ढक के रख दिया है। तो देखिए 2 मिनट में ये अच्छे से कुक हो चुकी है। देखिए मटर भी बहुत अच्छे से उछल उछल के बोल रही है कि मैं कुक हो चुकी हूँ, क्योंकि देखो मटर जब गर्म हो जाती है और कुक होने लग जाती है तो फूटने लगते हैं ना दाने, तो वो उछल रही है अब काफ़ी, तो मतलब ये अच्छे से कुक होने लगी है। और साथ में अब हम मशरूम को ऐड कर देंगे। और मशरूम को भी हमने बॉयल नहीं किया है तो हम मटर के साथ ही मशरूम को अच्छे से कुक करेंगे। तो अब हम इसको के साथ अच्छे से इसको भून लेंगे एक बार, और इसमें थोड़ा सा हम रेड चिली पाउडर डाल देंगे जिससे इसमें थोड़ा सा मशरूम में फ्लेवर आ जाए। और थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। नमक हमने ग्रेवी में भी ऐड किया, उसी हिसाब से हमने बहुत थोड़ा सा ही नमक ऐड करना है जिससे कि इसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। तो देखिए अब हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया और 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के रख देंगे जिससे कि मशरूम और मटर बहुत अच्छे से कुक हो जाए। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए मशरूम में थोड़ा देखिए पानी बहुत होता है, तो देखिए कितना सारा पानी रिलीज़ कर दिया ना, और मशरूम भी इस तरीके से कुक हो जाएगा। तो अब देखिए मशरूम भी थोड़ा थोड़ा श्रिंक होने लगा है और मटर भी अच्छे से कुक हो चुके हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए तो अब जो इसका पानी है ना हमें निकालना नहीं है, और अब इसको हम हाई फ्लेम पे अच्छे से इसके पानी को इसी में ड्राई कर देंगे। तो इसको अब हम अच्छे से ड्राई होने देंगे, थोड़ी देर में ही देखिए ड्राई हो जाएगा। देखिए 5 मिनट के अंदर ही अच्छे से मशरूम और मटर अच्छे से ड्राई हो चुके हैं। तो अब देखिए मशरूम को हमने कुक कर लिया और मटर को भी अच्छे से कुक कर लिया। अब हम इन सभी चीज़ों को एक उसी ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से कुक हो चुके हो और अच्छे से इसका पानी भी अच्छे से रिड्यूस हो चुका है। और अब हम फिर से हम ग्रेवी को रखेंगे गैस के ऊपर और उसी के अंदर ही अब हम मटर मशरूम को ऐड कर देंगे। एक बार हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे ग्रेवी को, और गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। और देखिए अब हम इसके अंदर मटर मशरूम को मिक्स कर देंगे जो हमने अभी कुक करके रखे थे ना वही। तो आप इस तरीके से मटर मशरूम बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी बनती है मटर मशरूम। और अब हम इसको मसालों के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से मसालों के साथ भूनते रहेंगे, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ढक के रख देंगे जिससे कि मशरूम और मटर के अंदर मसालों का अच्छे से फ्लेवर आ जाए। तो देखिए अब हम इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से ढक के रख देते हैं। तो देखिए 2 मिनट हो चुके हैं और देखिए मसाले बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, और देखिए ऑयल सेपरेट हो गया ना, मशरूम और मटर दोनों में ही फ्लेवर बहुत अच्छे से आ चुका है। और अब हम इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे। तो देखिए क्रीम कभी कभी फट जाती है, इसको हमने अच्छे से फेंट लिया है और इसमें देखिए सेंटर में डाल दी हमने क्रीम, क्योंकि क्रीम थोड़ी ठंडी थी ना इसलिए। अब इसको हम पहले इसमें गर्म होने देंगे, जब ये गर्म हो जाएगी ना उसके बाद हम इसको इसके साथ मिक्स करेंगे। इससे क्या है कि मलाई कभी कभी फटती नहीं है, वरना कभी कभी फट जाती है ना मलाई, जैसे फटी फटी सी दिखने लग जाती है। तो इस तरीके से कभी भी आपकी मलाई फटेगी नहीं और ग्रेवी बहुत स्मूथ बनेगी। तो देखिए मैंने इसको इस तरीके से किया था तो मलाई बिल्कुल भी फटी नहीं थी और ग्रेवी बहुत स्मूथ बनी थी। तो अब देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, और अब हम इसके अंदर जितनी आपको ग्रेवी की थिकनेस रखनी है उसी के हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए। तो देखिए पानी जब भी आप ग्रेवी में ऐड करो आप ध्यान रखिएगा गर्म पानी ही ऐड कर लीजिएगा, तो उससे क्या ग्रेवी का टेस्ट ख़राब नहीं होता। तो देखिए हमने गर्म पानी ऐड कर दिया और इसको एक बार और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब हम इसको फिर से हम 10 मिनट के लिए कुक करने के लिए रख देंगे लो फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और देखिए ऑयल सेपरेट हो गया ना सब्जी में, तो इससे क्या पता चल जाता है कि हमारी सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो चुकी है। तो सब्जी बहुत अच्छे से कुक हो गई थी। तो देखिए 2 मिनट के लिए मैंने इसको खुले में ही कुक किया था, तो उससे क्या है कि इसका ऑयल और भी अच्छे से सेपरेट हो गया और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन के तैयार हो चुकी है। और अब हम इसे बाउल में सर्व करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी बनी है ना, कितनी थिक बनी है। तो एक बार आप इस तरीके से बना के देखिए, मटर मशरूम बहुत टेस्टी बनता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए मटर मशरूम तो हमने बना लिया, आप इसको राइस के साथ या रोटी के साथ या पूड़ी के साथ किसी भी चीज़ के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही टेस्टी मटर मशरूम बना। और आप इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। ओके बाय, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।